सो हेलो दोस्तों, मैं मनु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खूनी गॉर्स में। तो आपने वीडियो का थंबनेल वो देख लिया तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं इसमें बात करने वाला हूं M887 यानी दो गोली वाली शॉटगन से। गाइस अगर आपका मतलब इजीली वन टैप या हेडशॉट नहीं पड़ता है तो उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भाई इस वीडियो में आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इस वीडियो में आपको सिर्फ दो टिप्स ऐसे बताऊँगा जिससे आपके मतलब ईजी हेडशॉट हैं वो मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक टिप्स आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ दो ही टिप्स दिए हैं मैंने और दोनों टिप्स आपके लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है गाइस। अगर आपके मतलब हेडशॉट है वो नहीं पड़ते हैं, अगर आपको हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम आती है तो सब कुछ गाइस इस वीडियो में आपको वो क्लियर कर दूंगा। बट गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करूँगा उससे पहले गाइस दिल से थैंक यू और लव यू ऑल ऑफ यू गाइस। 25K फैमिली वो अपनी कंप्लीट करवा दी आप लोगों ने। बट गाइस यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले गाइस यहाँ पे एक 100 डायमंड का गिवअप है और चल रहा है, तो जो भी बेस्ट कमेंट डालेगा उसको मेरी तरफ से गाइस इस वीडियो में 100 डायमंड दिए जाएंगे। तो भाई यहाँ पे आपको कमेंट है वो अपना अपनी यूआईडी के साथ डालना है, तो यहाँ पे आप अपना कमेंट अपनी यूआईडी के साथ ड्रॉप कर देना। तो गाइस 30K फैमिली है वो आप लोगों को कंप्लीट करवानी। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो भी भाई नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अगर तुम भी कोई मेहनत करोगे और तुमको वहाँ पर कोई सपोर्ट ना मिले या फिर तुम्हारे चैनल को तुम भी कोई मतलब YouTube चैनल खोल रखा है, तुमने कुछ भी करते हो, तुम कोई भी काम करते हो, अगर मैं वहाँ पे तुमको जाके कोई सपोर्ट ना दिखाऊँ तो कहीं सभी को मतलब दिल से बुरा लगता है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं जिसको लगता है कि हाँ मनु भाई सही बोल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अब भाई यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि आप अगर आपका वन टैप हेडशॉट अगर इजीली नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर सिर्फ दो टिप्स मैंने बोला था कि दो टिप्स पर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला टिप्स गाइस यहाँ पर आपका ये है कि आपका मतलब ईएम यानी जो जितनी भी गाइस यहाँ पर आप चाहे सेंसिटिविटी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी बोलते हैं कि आपकी सेंसिटिविटी इतनी कर लो, डीपीआई इतनी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो यहाँ पर आपको कभी भी मतलब सेंसिटिविटी डीपीआई बीपीआई इनसे गाइस कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका फ़र्क पड़ता है गाइस आपका एम और स्टैंडिंग पोजीशन और गाइस यहाँ पर आपका फायर वाला बटन, यानी अगर आपका मतलब जैसे जंप करके हेडशॉट मारोगे ना तो गाइस यहाँ पर आपके 10% चांस रहते हैं आपका हेडशॉट पड़े। बट गाइस यहाँ पर अगर तुम एक जगह खड़े होके यानी जंप करके बाद में जैसे आप लैंड करते हो मतलब ज़मीन पर जैसे आपके पैर रुकते हैं, तो भाई आप उस टाइम पर अगर जंप करके या जैसे यहाँ पर जंप किया मैंने, जंप करते करते मैंने फायर किया था उस टाइम पर यहाँ पे मेरा हेड नहीं पड़ा। बट गया यहाँ पे जैसे ही मतलब मैंने लैंड किया यानी जैसे ही मैंने ज़मीन पर पैर रखे, तो भाई यहाँ पर मैं इस बंदे को मारूंगा ना, जब भी आपके मतलब पैर ज़मीन के पास आए या ज़मीन को छुएं तब उस टाइम पे फायर करोगे ना, तो कहीं यहाँ पे आपका 80% चांस बन जाता है आपका मतलब हेडशॉट पड़ने का। ये कहीं आप मतलब चाहो तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके ट्राई कर लेना कभी भी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कहीं यहाँ पे आपका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता ना वो होता है कहीं आपका एम। अगर कहीं यहाँ पर आपका एम परफेक्ट है तो भाई यहाँ पर आपका हेडशॉट पड़ेगा, अदरवाइज आपका हेडशॉट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर तुम वन टैप इजीली मारना चाहते हो ना तो यहाँ पर आपको अपने एम के ऊपर वर्क करना है, यानी कुछ भी मत करोगे। यहाँ पर आपको सिंपली जो अपना एम है ना अपने एम को सही कर लोगे, यहाँ पर आपका हेडशॉट है ना कोई भी मतलब ये बोलते हैं ना कि ऐसा करो वैसा करो, मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपका हेडशॉट रेट है वो इंक्रीज भी होगा और हेडशॉट रेट आपका बढ़ेगा भी। तो सभी को पता रहता है कि मतलब आपको जब भी मतलब एम होता है ना, अगर आपका एम परफेक्ट रहेगा, अगर मान के चलो अगर आपका ईएम मतलब बॉडी के ऊपर है और आपकी सेंसिटिविटी 100 है तो आप चाहे कितना भी ट्रैक कर लो तब भी आपको हेड नहीं पड़ेगा। अगर गाइस आपका मतलब ईएम अगर हेड के ऊपर है और आपकी सेंसिटिविटी 0 है तब भी गाइस आपका मतलब हेड ही पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर आपकी सारी कहानी है ना वो आपकी ईएम के ऊपर ही होती है, सेंसिटिविटी जनरल ये करना वो करना, कहीं इनसे मतलब आपकी मूवमेंट स्पीड या आपकी मतलब जो ड्रैग फायर बटन की स्पीड है वो बढ़ती है, आपकी मतलब एम की स्पीड नहीं बढ़ती। तो भाई यहाँ पर आपको सिंपली जितने भी मतलब आपने वीडियो देखे होंगे, आई डोंट नो मतलब क्या बताया क्या नहीं बताया, यहाँ पे जैसे देखो इस वीडियो में यहाँ पे मैंने इस एनएमी को 3-4 मारने का ट्राई किया, बट गई यहाँ पर एम मेरा परफेक्ट नहीं बैठ पाया, यानी अगर बॉडी पर एम होगा तभी मेरा मतलब बॉडी शॉट पड़ेगा, अगर ये मेरा हेड पे एम रहेगा तो मेरा हेड शॉट पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एम है ना वो हमेशा अपने कंधे के ऊपर लेके चलना है, ठीक है, यानी जो आपका सर होता है ना वहाँ पे आप अपने एम को लेके चलो, तो वो अपना जो आपका सर के ऊपर एम है ना वो कहीं यहाँ पे एनएमी के सर के ऊपर एम रहेगा, यानी आपका अगर एम आपका आपकी बॉडी के ऊपर है यानी जो आपका शोल्डर होता है ना, जैसे कि यहाँ पे मेरे कैरेक्टर के शोल्डर के ऊपर है, तो यहाँ पे ये एनएमी के हेड के ऊपर रहेगा। तो जब भी आप मतलब हेड मारो ना तो यहाँ पे आपको मतलब ये मैं वो अपने सर के ऊपर लेके चलना है। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ था वो आपको बता दिया, तो आपको पता नहीं आई डोंट नो अच्छा लगा या नहीं लगा, शायद मेरी बातें आपकी समझ में आई या नहीं, बट अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अभी के लिए गाइस यहाँ पे बाय बाय, लव यू गाइस, और 30K सब्सक्राइबर है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दो यार, भाई क्या ही बोलूँ आप लोगों को यार, लव यू यार जितने भी लोग देख रहे हैं।